हेलो दोस्तों, गैलेक्सी ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आबिद खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपनी इमेज में ग्लिच, डिस्टॉर्शन, हॉरर इफेक्ट कैसे दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एडिट में जाएंगे, प्रीसेट में, प्रीसेट मैनेजर पर, और हम यहाँ पर अपने यहाँ पर पैटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने पैटर्न को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम इफेक्ट पैटर्न यूज करने वाले हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इस पैटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, एडिट में जाकर, प्रीसेट में जाकर यहाँ पर पैटर्न सेलेक्ट करना है और यहाँ से लोड पर क्लिक कर देना है। और जहाँ पर आप अपने पैटर्न को डाउनलोड करके रखा हो, जैसे हमने यहाँ पर ग्लिच डिस्पोर्शन, यहाँ पर आ जाइए और आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। मैंने पहले भी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद हम डन कर देंगे। उसके बाद हम एक नई इमेज लेंगे, कंट्रोल ओ, जिस पर हमें इफेक्ट डालना है, ये ले लेते हैं। इस पर इफेक्ट डालने के लिए दोस्तों अपनी इमेज का साइज देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि हमारे पैटर्न में यहाँ पर ये थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। हम इसका थोड़ा साइज घटा लेते हैं। हम लगभग इतना साइज रखते हैं इसका, और ओके कर देते हैं। कंट्रोल जीरो से इसको फिट टू स्क्रीन कर लेते हैं। उसके बाद हम एक नई लेयर ले लेते हैं और इसको हम रिनेम कर देते हैं, ग्लिच डिस्पोर्शन। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा इसमें, ताकि इससे हमें अंदाजा हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एडिट में जाएंगे, फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा पैटर्न है, ये पहले वाला, उस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। इसीलिए मैंने अपनी इमेज का साइज घटाया था, ताकि ये यहाँ पर अच्छा सा दिखाई दे फिट, और ना ये जो हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है काफ़ी छोटा दिखाई देता। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है, इसकी हम एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। आप चाहे तो कंट्रोल जैसे कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, ग्लिच वन, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दिया है। इसको यहाँ से अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाए दबाए इसको यहाँ पर ऊपर ड्रैग करके रख देंगे। उसके बाद हम इस पर फिर से राइट क्लिक करेंगे और इसको हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर से इस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको क्लिपिंग मास्क कर लेंगे। ये जो क्लिपिंग मास्क में, ये इसके अंदर चला गया है। यहाँ पर जो ये एरो का निशान दिखाई दे रहा है, जिस तरह से, अगर आप जानते हो, पावर क्लिप हो जाता है, उसी तरह से ये हमारे पैटर्न के अंदर चला गया है। इसके बाद हम इस लेयर को सेलेक्ट किए किए फिल्टर में चलते हैं, डिस्टॉर्ट में, और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं वेव। इसमें हम अपनी इमेज के हिसाब से अलग अलग हिसाब से सेटिंग करनी है आपकी। आप अपनी इमेज के हिसाब से सेटिंग कीजिए इसमें, वो हमें किस तरह से करना है देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेटर्स, यहाँ पर हम 3 रखते हैं, और यहाँ से हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर वेवलेंथ चेंज करते हैं। वेवलेंथ हम लगभग इतनी ही रहने देते हैं। यहाँ से हम इसको बढ़ा लेते हैं अपनी इमेज के हिसाब से, लगभग इतना। उसके बाद हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम मैक्सिमम को, जो हमारे एम्पलीट्यूड का ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, इसको बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम स्केल पे चलते हैं, स्केल को हम यहाँ पर थोड़ा कम करते हैं, और जो हमारा स्केल का हॉरिजेंटली स्केल है उसको घटाया हमने। अब इसका जो वर्टिकली स्केल है उसको घटा लेते हैं, इतना कर लेते हैं, और यहाँ से रिपीट एज पिक्सल पर इसको रखकर ओके कर देते हैं।
ये इस तरह से जितना आप करना चाहे, जिस तरह से यहाँ पर जो हमारा पैटर्न दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से दोबारा चेंज करना चाहे तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से भी आप इसमें जिस तरह से परिवर्तन करना चाहे इस तरह से आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से एक और इसकी नई लेयर ले लेते हैं डुप्लीकेट यहीं से ही, और इसको भी हम नाम दे देते हैं ग्लिच टू और ओके कर देते हैं। अब इसको भी उठाकर हम ऊपर लेकर चलते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसको भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम इस लेयर की टोन चेंज करते हैं रेड में, यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, और उसके बाद इन दोनों को जो ग्रीन और ब्लू है इनको अनमार्क कर दीजिए और ओके कर दीजिए। उसके बाद फिर हम फिल्टर में चलते हैं, इस लेयर को सेलेक्ट किए के फिर से डिस्टॉर्ट में और वेव में फिर से यहाँ से इसमें चेंज करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेटर्स यहाँ पर इस बार हम 4 रख लेते हैं, और जो हमारी वेव लेंथ है मिनिमम उसको हम कर लेते हैं लगभग इतना ही रख लेते हैं, और जो मैक्सिमम है उसको हम कर लेते हैं, इसको हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसमें। यहाँ पर इतना कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं लगभग इतना। आप इसको अपनी इमेज के हिसाब से करके देख लीजिए। उसके बाद जो हमारा एम्पलीट्यूड है उसको हम मिनिमम कर लेते हैं फिर से घटाकर इतना, और जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको भी हम इस बार घटा लेते हैं इतना कर लेते हैं, और जो हमारा स्केल है उसको हम हॉरिजेंटली और घटा लेते हैं 7 कर लेते हैं, और जो वर्टिकली स्केल है उसको भी हम थोड़ा और घटा लेते हैं यहाँ तक कर लेते हैं, और अब इसको यहाँ पर स्क्वायर पर रखकर और रिपीट एज पिक्सल पर रखकर इसको फिर से ओके कर दीजिए इस तरह से। इसमें भी आप इस तरह से अगर परिवर्तन करना चाहें यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से भी आप इसमें यहाँ पर ऐसे जिस तरह से आप चाहे परिवर्तन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर से हम इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं, राइट क्लिक कीजिए डुप्लीकेट लेयर, और फिर से हम इसको नाम दे देते हैं ग्लिच 3, मैं फिर से शॉर्ट में दे रहा हूँ, और ओके कर दीजिए। उसके बाद इसको भी उठाकर यहाँ पर सबसे ऊपर रख लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और इसको भी हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें हम इसकी ब्लू टोन चेंज करते हैं, यहाँ से इस बार हम रेड को और ग्रीन को ऑफ कर देते हैं और इसको रख लेते हैं थोड़ा। अगर आप इसमें जो ग्रीन दिखाई दे रहा है उसको कम करना चाहे तो आप उसको यहाँ से कम भी कर सकते हैं इस तरह से, ओके कर दीजिए जिस तरह से आपकी इमेज में इफेक्ट अच्छा है। उसके बाद फिर से हम इसी को सेलेक्ट किए हुए फिल्टर में चलते हैं, डिस्टॉर्ट में, वेव में, और फिर से यहाँ पर हम जो हमारे नंबर ऑफ जनरेटर्स है उसको 3 कर लेते हैं, सॉरी। उसके बाद जो हमारी मिनिमम वेव लेंथ है उसको हम यहाँ से फिर से घटा लेते हैं थोड़ा कम करते हैं यहाँ तक रख लेते हैं, और इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं लगभग इतना। इसको हम जो हमारे एम्पलीट्यूड है उसको हम मिनिमम को और घटा लेते हैं यहाँ पर 1 रखते हैं, और मैक्सिमम को भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं इतना, और स्केल को भी हम इस बार घटा लेते हैं, और इसको भी हम थोड़ा घटा लेते हैं इस तरह से, और इसको स्क्वायर पर और यहाँ पर रिपीट एज पिक्सल पर रखकर ओके कर दीजिए इस तरह से। इसमें थोड़ा जो हमारा ब्लू इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप ब्लू को और थोड़ा बढ़ाना चाहे तो यहाँ से इस तरह से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम फिर से फिल्टर में चलते हैं और ब्लर में चलते हैं, यहाँ से मोशन ब्लर, इसका एंगल यहाँ पर 0 रखिए और इसको लगभग 90 के आसपास रखकर अपनी इमेज के हिसाब से ओके कर दीजिए। अब हम इसमें ऐड करते हैं स्क्रीन फ्लिकर जो हमारा पैटर्न है उसको, उसके लिए हम एक नई लेयर ले लेते हैं यहाँ पर, इसको भी हम रीनेम कर देते हैं हॉरिजेंटली
लाइन। उसके बाद फिर हम एडिट में चलते हैं, फिल में, और यहाँ पर पैटर्न को सेलेक्ट किए हुए जो हमारा ये लास्ट पैटर्न है उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। इस तरह से हमारी वो लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और इसको यहाँ पर ओवरले कर देंगे इस तरह से, और हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी घटा लेंगे, लगभग हम इसको 50% कर लेते हैं यहाँ तक। अब इसमें हम थोड़ा और इफेक्ट डालते हैं ताकि हमारी इमेज पे ज़्यादा फोकस बना रहे यहाँ पर, और थोड़ा जो हमारे साइड में यहाँ पर डार्कनेस बनी रहे उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं ग्रेडियंट में, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर डार्क ग्रे कलर सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, और यहाँ पर प्योर वाइट को और ओके कर दीजिए, इसको यहाँ से ओके कर दीजिए, और इसको यहाँ से रेडियल सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से इसको रिवर्स कर दीजिए, और इमेज के हिसाब से यहाँ आप कितना एंगल देना चाहें इस तरह से इसको एंगल दे सकते हैं, या आप इसका स्केल यहाँ से घटाना या बढ़ाना चाहें इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं, और इसको ओके कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ से फिर से इसको यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन में से ओवरले कर दीजिए। फिर से हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, थोड़ा यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पर रखते हैं। अब अच्छा इफेक्ट आ रहा है, या आप इसमें अपने हिसाब से चेंजमेंट यहाँ से करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से भी इस तरह से जहाँ पर रखना चाहे वहाँ पर रख सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइनल स्टेप पर, यहाँ पर क्लिक कीजिए और कलर लुकअप पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हॉरर ब्लू पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से इस तरह से इसमें हमारा इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ से आप अपने हिसाब से इसमें जिस तरह से आप इसमें परिवर्तन करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं, या आप यहाँ से ह्यू सैचुरेशन में जाके भी इसके कलर में यहाँ से जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे यहाँ से इस तरह से भी इसमें यहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं आप। इस तरह से आप अपनी इमेज में ग्लिच डिस्टोर्शन हॉरर इफेक्ट डाल सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अगर आप इसको थोड़ा और कम करना चाहें तो थोड़ा और कम भी कर सकते हैं इस तरह से। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।